पाकिस्तान बनने तो पहलों की गल तुम सुना। पाकिस्तान तकरीबन 3 साल बाद च बनया। अच्छा। शाम का टाइम सी ते गर्मियां सन। मेरा वालद साहब तो एक चाचा सी वो बैठे दिन बाहर उका पींदे पे ने। एक बच्चा आ गया सिख बरादरी का। वो बच्चा लंघ गया कोलों दी राह है ही कोलों दी। अच्छा। लंघ गया जेकड़ी मैनू आखन लगे भी टांडा इतों 2 मील है पिंड टांडा सिख बरादरी का। लेकिन ये नाल ना कोई अगे है ना कोई पिछे है। तो ये बच्चा कितने जाएगा इस वे जा इन लिया। मैं उन्होंने जाके इन्होंने फड़िया तो वह बच्चा अगे परेशान सी भुखा तरिया गर्मी बड़ी तो वो उथे किन्नी देर का बच्चा ही बच्चा है सी कोई 5 साल का उदो। अच्छा अच्छा। 5 साल उम्र सी उहदी ते ओ जिस करी मतलब मैं उन्होंने लैंदा मेरे वालद साहब ने उन्होंने झोली च पाया पानी मंगवाया उन्होंने पानी पिलाया। पानी पिलाने तो बाद ना वो पिंड का ना जानता ही आंदा ही टालियां वाला पिंड है साडा। अच्छा। ते ना वो माँ प्यो का ना जानता ही अपना ना उन्हें सुचा सिंह दसिया। ठीक है। वो जकड़ी अं उन्हें शाम वे घर लै गए। घर जाके उन्होंने नुहालिया धोलिया तो जरा को दुध पिलाया फिर रोटी खिलाई तो उदा प्यार करते रहे सारे जी। वो साढ़े ना गिज गया साढ़े को 17 दिन। अच्छा। 17 दिन तो बाद साढ़े पिंड की एक बीबी सी वो पेके हैं 11 गडगोरी। वो 11 गडगोरी जाती पी सी वो मगर 8-7 बंदे सिख बरादरी के लंघते पे आते पे हैं। तो जोड़ा बंदा अगे तो तुरदा हो ना उन्हू मगरल की गल सुनाती है क्योंकि वह कला सी वो सारे हैं 8-10। वो आखन लगे भाई खोरे किसी ने मार छड़िया बच्चा या कोई शह बला खा गई है कितों लभेगा। वो बीबी जदों लागे हो आए ना तो एक पासे हो गई। वो लंघन लगे तो आखन लगी भाई जी तुम की गल करते पे हो। उन्हें आख्या भैणा साडा बच्चा एक गुआज गया था ते अज दिन हो गया 17 लभदा नहीं। असी ढूंढने फिरने 4 चफेरा ढूंढ छड़िया दुनिया से ते सानू मतलब पता को नहीं लगता। उन्हें आख्या बच्चा किड्डा क है। उन्हें आख्या एडा क। उन्हें आख्या बच्चा तुहाडा जिहड़ा ना सोहना बड़ा तो उहदे वाल भी है ना सिर ते जूड़ा बधा दा। आहो उन्हें आख्या साडे पिंड जे। उन्हें आख्या तुहाडा पिंड भैण किहड़ा। उन्हें आख्या मला। अच्छा। वो उत्थों गए परत गए ने तकरीबन पैदल का जमाना सी उदों पैदल ही आउंदे पे हन उह जांदे पे हन। वो इत्थे जदों पुज्जे ने तो उदों 12 टाइम हो गया था। दोपहर पूरी सी। साडी वालदा साहब ने रोटी पकाई है दोपहर दी ते सानू सुचा सिंह भी बह के खांदा पिया। मैं भी एक मेरी भैन सी उदों ते माई भी ते वालद साहब भी। वह बंदे आ गए ने उन्हें आण के बूहा खड़काया। उन्हें पूछया मेरे प्यो का ना। अच्छा। उन्हें बूहा खड़काया ते वालद साहब उठ के गए ने ते देखिया ते सिख बरादरी के बंदे। उन्हें आख्या भाई जी असीं तुहाडे कोल आए हाँ तुहाडा नाम अमदीन है। उन्हें आख्या जी मेरा नाम अमदीन। तो मेरे वालद साहब भी बड़े जवान सन तो सोहने भी सन कद भी बड़ा ही। वो वेड़े साढ़े छां सी जी एक किकर का बूटा सी उहदी छां बड़ी ही। उत्थे असीं डंगर बन्नदे हुंदे दुपहर नूं। उत्थे मंजियां डाहियां ने ते बह गए हाँ। वो बह गए ने तो उन्होंने विच एक सुचा सिंह का मामा भी आया सी। उस बच्चे का मामा मामा आहो बच्चे का सुचा सिंह का उस बच्चे का मामा भी एक नाल सी। उन तक लिया चलो खुश हो गया। उन्हें आख्या बच्चा जी एक साडा गुआच गया था तो इस तरह का बच्चा तो ऐ ना आता। उन्हें आख्या अच्छा मारो बाज बच्चा जोड़ा ही ना उन्होंने देख के थोड़ा जहा चंगेर तू पिछा हो गया। अच्छा। उन जकड़ी उहदे मामे ने आवाज मारी है तो सुचा सिंह नहीं आया। अच्छा। 2-3 मिनट लंघ गए ने वो नहीं आया।
फिर मेरे वालो साहब ने आवाज मारी है, उन्हें क्या सुचा सिंह यार आ बाहर। सुचा सिंह आ गया। अच्छा। वो मेरे वालद साहब की झोली च बह गया, बह गया जेकड़ी से उन्हें पछाता प्यार शार दिता सारे बंदे ने। तो बाकी वो सिर्फ अपने मामे वाल कदे कदे देखता सी नज़र चुक के। वो दोपहर जो रहे ना साढ़े को, उन्होंने पानी का बंदोबस्त किया साढ़े घर, लोहारा का घर, हिंदू लोहार सन उन्हों का घर सी, उत्थे उन्हों का पानी बनवा के आया, रोटी भी उन्होंने वास्ते उत्थे पकवाई, तो उन्होंने दोपहर रोटी भी खवाई। जो कड़ी पिछला टाइम होया ना, तो असी इन दिनों च एक सूट का होर सवाया, वो सवा के ना तो वो गल पाया भी एक पा लिया, एक तो लिया। वो जेकड़ी पिछला टाइम होया ना डीकर वाला, तो वह तुरन लगे, तो मेरे वालद साहब ने उन्हू 50 रुपये दिते सुचा सिंह नू, ते एक सूट नवा लिया के दिता। साढ़े पिंड कपड़े की दुकान सी, वह लैके तुर गए। तुर गए जेकड़ी तो तुर गया, कोई उन्होंने लै गया अपना बच्चा, तो कोई 6 महीने हो गए। अच्छा। ना वो आए ना असी गए। एक दिन मेरे वालद साहब के एक साडा चाचा लगता सी, उहदा नाम ताजदीन सी, तेरा दादा, ठीक है, वह गए ने ढग्गा लैन वास्ते। उन्हें नाल दे पिंडों ढग्गा खरीदया, खरीद के लिया, तो उदों वाही हुंदी सी खोपियां दी, हलां दी, उदों ट्यूबवैल बंबियां नहीं लगी दियां। उन्हें आख्या यार उतों की जी लंघन लगे ना उस पिंड चों दी, उत्थे खरास वगदा पिया सी, आख लगे यार ढगे दे खोपे तो देख लीए वे खोपे भी है नहीं कि नहीं। उन्हें आख्या चलो उत्थे चले गए ने। उन्हें आख्या भी यार हाँ ढगा जो के देखना। वो जिहड़ा खरास सी ना, वो जला सी बोदी वाला खरास होता सी। अच्छा। उन्हें आख्या जोलो जी, उन्हें पछाण लिया मैं इहनू। उन्हें आख्या जी जोड़, वो उधर नाल सी आया था। अच्छा। उन्हें पछाण लिया, उन्हें ढग्गा जो के ना, तो नाल घर सी सुचा सिंह का। अच्छा। वो उन्होंने घर टुर गया। वो जिहड़ी उस मुंडे की माँ सी ना सुचा सिंह की, उहदा नाम सी रवेल कोल। अच्छा। उहदे वालद का नाम सी गोपाल सिंह। ठीक है। गोपाल सिंह अपने डेरे ते ही, ते उहदी बीवी घर सी। उन्हें किया भी उन्होंने जाके दसिया, आ जो बंदा साढ़े पिंड आया जिदे को तेरा बच्चा। अच्छा। उन्हें आख्या चल हाँ दस मैनू। वो बाहर निकली आ, बाहर निकल के ना तो उन्हें आख्या भी वह जिन कुले तो पग बधी गया तो मुछा रखी दी ने, वह बंदा ही। वो देख के तो बड़ी खुश हुई, आखन लगी भी इस तरह करी साढ़े घरों जिन्ना मर्जी आटा ला गई, जदों ये ढग्गा छड़न गए इन्हों का ढग्गा बन के खुरली दे, तो इन्ना को भो पा के चंगा आटा पा के ना, तो उन्होंने उत्ते बनो पट्ठे पाओ। तो जे उन्हें पूछा यार अह जाना, उन्होंने आखिया तुसा जाना नहीं, तुहानू इत्थे एक घर बुलावा उत्थे जाना। तो वो परेशान हो गया भी साढ़े पिंड की रिश्तेदारी ही नहीं इत्थे कोई भी, इत्थे तो सिर्फ दो कुड़ियां ने साढ़े पिंड दियां फकीर दियां ब्याही दियां, तो बाकी लोग तो सारे सिख बरादरी है, साडा इत्थे किहदे नाल वास्ता है। उन्हें आख्या भाई अच्छा, उन्हें पट्ठे पुट्ठे पाए बदा। उन्हें आख्या जी मैं तुहानू दसना गल, तुहाडे को बच्चा रहा सी एक गोपाल सिंह का, उहदी माँ बुलांदी पई अदू। अच्छा। उन्होंने घर जाना सुचा सिंह दे। अच्छा चलो, वो थोड़ी जी देर हुई ना, तो उन्हें उत्थे बंदा भेज दिता अपने डेरे से, कि वह बंदा जाता साढ़े पिंड जिहदे को तेरा सुचा सिंह। वह उतू 8-10 सिख वो नाल, तो उन्हें जो जो सिखनी ने आख्या भी लिया इन्हों घर बहरले बूहे च, उन्होंने जिस तरह हूँ बैठक बनी उदू ड्योड़ी आखते हैं। अच्छा। वो मंजिया डठी दिया ने, उन्हें पांदा तो खेस पाए दे ने, सराने रखे दे ने, इन्हों लिया के इन्होंने घर बाल लिया। जेकड़ी उन्नी देर न फिर गोपाल सिंह भी आ गया, उस बच्चे का वालद साहब, वो सेकन 8-10, वो बड़े खुश हो गए, जफ्फे पा के मिले, बड़े ही खुश होए, वो चल यार तू साढ़े पिंड आया, तेरी बड़ी मेहरबानी। उन्हें थोड़ी देर तो बाद उन्होंने भी खाना छाना
पकाया खिलाया इन्हों खिलान तो बाद गप्पा शप्पा मारते रहे। जो गप्पा शप्पा मारते रहे ना तो जो ये टुरन लगे ना उन्हें आखिया भाई हूँ सू रुखसत करो इजाजत दो असा हूँ पिंड अपने जाना। उन्हें आखिया ठीक है। उन्होंने एक एक खेस नौ नौ गज खतर अच्छा दिता आ खेस मतलब बछाने लिया। वो फिर भी डरते हैं कि ये पिंड जड़े ने बरमाशा दे रहे असी वो इस गल तो संगते हैं आते नहीं। उस दिन फिर वो जो वालस साहब से ना वो आया जेकड़ी तो असी भी बड़े खुश होए। खुश होने तो बाद रखिया दिहाड़ी फिर वो वापस टुर गया। उस दिन अगू सर्दियाँ आ गई हैं आह डंगर कमाद कुतर के पाया वो देख के उन्होंने वापस टुर गया। जाके उन्हें दूसरे दिन एक गड्डा तूड़ी लिया एक माण उत्ते कपाह रखी दी तो दूसरे दिन गड्डा लै के आ गया। जेकड़ी गड्डा बूहे से लिया के खिला रहा तो वेड़े आया मी इन उन्हें आखिया भाई तूड़ी लिया है ये ला लो। मैं हाँ यार तू माड़ा कीता मैं तो सिर्फ कमाद इस वास्ते पाया भी मिठा होंदा तो डंगर खाते चंगा नहीं तो तूड़ी लिया सी। उन्हें आखिया कोई गल नहीं मैं कहा भाई देखो तूड़ी मुक गई है मैं लैन ली तूड़ी ला ली। वो टुर गया। जिहड़ी उहदी बीवी सी ना वो बड़ी जवान सी ते बड़ी सोहनी सी क्योंकि सिख बरादरी जिहड़ी जवान बड़ी हुंदी है ते खूबसूरत भी हुंदे। वो आंदे सी मैं जाना ते लोग उहनूं डराउंदे हन वी उह बदमाश लोग ने तेरा लिवर भी उहनां ला लैणा ते तैनूं वेच छड्डना। अच्छा वो डरदी फिर चुप कर जांदी सी। हुण साडे पिंड दीआं उत्थे फकीरनियां हन दो उन्होंने सद्या मुसलमाना का घर वो इको सी उन्होंने सद्या। उन्हें आख्या तुहाडे पिंड इस नाम का कोई बंदा है? उन्हें आख्या है साडा चाचा लगता पिंड की बरादरी चो। उन्हें आख्या उहदे कोल मेरा सुचा सिंह रहिंदा रहा सी 17 दिन तो मेरा दिल बड़ा करता वे मैं उन्होंने जीआं नूं मिलां। मेरा पुत्र उन्हें रखिया ही तो मिलना उन्होंने व्याती दी नहीं ना करनी तो वह किहो जिहे ने। उन्हें आख्या बहुत शरीफ आदमी है फौज च मुलाजम सी पेनशन आया दा तो जिमीदारा करता बहुत अच्छा आदमी है। उन्हें आख्या फिर तुम मेरे नाल चलो। उन्हें आख्या चल अभी टुर चलनी वो आ गई तो जे कड़ी घर पहुँचे ने असी भी बड़े खुश होए देख के वो चलो साड़ी सलाम दुआ वध गई है ये आई है बीबी। वो आए ने अहां उन्हें दो त्रै दिन रखिया रखण तो बाद फिर उन्हें वापस भेजिया। फिर वापस भेजिया ना जदों तो उदू ये सीगे असी रोटी उन्हें हिंदुओं के घर ही पकवाते हाँ मिस्त्रियों के। उन्हें आख्या भी असी पीर फकीर मनने तुसी कदी रोटी साड़ी उत्थे पकवाते हो इत्थे पकाओ तुसी भी पीर फकीर वाले हो असी भी पीर फकीर मनने असी तुहाडी रोटी खाला करांगे। वो फिर जदों आउंदे हन फिर मुड़के असी रोटी घर ही उन्हां दी पकांदे हां। ठीक है। जदों ये अरसा गुजर गया 3 साल का फिर असी उहदी सुचा सिंह दे मतलब की का कीता उन्होंने मेरे ताया तो मेरा वालद साहब नूं उन्हां बुलाया गए ने घोड़ियां दे उदों घोड़ियां दा जमाना सी। ठीक है। घोड़ियां दे गए ने जाके इन्हां ने कोई वाह वाह खर्चा करके गए ने 200-300 रुपया उदों 200-300 रुपया बड़ा हुंदा सी। उहदे लई कपड़े बनाए ने उहदी मां लई सुचा सिंह लई कपड़े बनाए ने गोपाल सिंह लई कपड़े बनाए ने ते गए ने कीका शीका भगता के आ गए ने। फिर इस अरसे दौरान वो मिलते गिलते रहे ने सानू ते हालात मुल्क दे खिलाफ हो गए। मुल्क दी तकसीम शुरू हो गई खराब हो गए जिस कड़ी से मेरा छोटा भरा जिहड़ा सी ना मेरे नाल वो फौत हो गया तो असी बाहर नहीं हाँ निकलते साडे वालद साहब बाहर अंदर नहीं जाते उस घर ही रहिंदे हैं। वो वक्त गुजर गया तो वो साडी एक फुफी सी पंडियाल पिंड है उत्थे रहिंदी सी उहनूं पता सी भी ये उहदी भैण है उत्थे उह सुनेहा भेजदा सी बंदा भेजदा सी भई भाई नूं आखो मले जा के भी सानूं लै जे आण के
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਦਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਪਛਾਂਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਵਧਿਆ। ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਣੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਚ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਚੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਟ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਧਮਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ। 3 ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਹ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆ ਮਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਾਹ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨਿਓ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਮਦੀਨ ਸੀ ਫੌਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਝੋਰੀ ਬਾਊ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ 'ਤੇ ਭੰਡ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਵੀ ਆਓ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੁਕਾ ਗਏ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਆ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੀਏ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ